हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी बज गए सुबह की 11:30 और मैं हो गई रेडी, क्योंकि मैं गई थी थोड़ी बहुत सुजन का मेडिसिन लाने के लिए। तो दिखाती हूँ सब कुछ। और सुजन का एक्चुअली क्या हो रहा है ना, सुजन का 2-3 दिन से थोड़ा सा लेफ्ट लेग में थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो पता नहीं ये क्यों हो रहा है, फिजियोथेरेपी तो उसका चल रहा है और राइट लेग भी हील हो रहा है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना क्या हील हुआ है। क्योंकि डॉक्टर श्री हर्ष ने एक बार बोला था, मतलब जिसके अंडर अभी भी सूजन है, लखनऊ का जो डॉक्टर, तो उन्होंने बोला था कि कोलकाता में कोई भी एक डॉक्टर दिखा दो, मतलब प्लास्टिक सर्जन से एक बार कंसल्ट कर लो कि कितना क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग तो लखनऊ नहीं जाएंगे ना। और दूसरी बात यह है कि वीडियो कॉल में प्रॉपर समझ में नहीं आता, मतलब आता है लेकिन उसका अंदर क्या हो रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ये समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए ना मैंने आज अपॉइंटमेंट लिया है, मेडिका हॉस्पिटल है कोलकाता में, तो उधर अभी हम लोग जाएंगे। डॉक्टर सिंजनी दास को अपॉइंटमेंट, मतलब डॉक्टर सिंजनी दास का अपॉइंटमेंट हम लोगों ने लिया है, तो उधर ही जाएंगे। तो सुजन का क्या क्या प्रॉब्लम है सब कुछ आज उधर क्लियर करेंगे, फिर डॉक्टर श्री हर्ष से और एक बार, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि री चेकअप करवा लेंगे। और सुजन का ये जो दिख रहा है ना लेफ्ट लेग, इधर पेन हो रहा है उसका कफ मसल में, उधर भी पेन हो रहा है, इस साइड से हो रहा है, पूरी साइड में, मतलब क्रैम्प हो रहा है ना, खींच रहा है पूरा नीचे तक एकदम। और आज राइट लेग भी दिखाएंगे, उधर एक बार ये बैंडेज है ना ये ओपन करके फिर दिखाएंगे कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, फिजियोथेरेपी और कितना दिन चलेगा, कितना दिन नहीं चलेगा, सब कुछ दिखाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि सुजन के लिए वॉकर लेके जाऊंगी, क्योंकि सुजन अभी 2-3 दिन से चल पा रहा है ना, तो ये थोड़ा सा अच्छा हुआ। और उधर तो व्हील चेयर मिल जाएगा, लेकिन सुजन का प्रॉब्लम होता है कि व्हील चेयर के साइड में जो है ना उसका उसका लेफ्ट लेग में भी प्रॉब्लम होता है, राइट लेग में भी दर्द होता है। तो अगर वो चल पाएगा, उसको लगेगा कि ठीक है, तो इसीलिए मैं वॉकर लेके जाऊंगी एम्बुलेंस में। और आज सुबह सुबह ना ये सारी की सारी दवाई खत्म हो गया था, तो सब कुछ लेके आ गई हूँ। ये आई ड्रॉप खत्म हो गया था, आई ड्रॉप लेके आ गई थी। और दूसरे वीडियो में मैं बोल रही थी कि बैटरी ग्लास इधर नहीं मिल रहा था, तो ये देखो पूरा एकदम 5 पैकेट लेके आ गई हूँ कि खत्म ना हो जाए। और ये सब कुछ ना मेडिसिन का जितना भी जो लग रहा है सब कुछ स्पॉन्सर कर रहे हैं बिनोमो, सो थैंक यू सो मच। मतलब ये एक हार्डेस्ट टाइम है हम लोगों के लिए, तो उन लोग बहुत हेल्प किया है जब सुजन हॉस्पिटल में था तब से अब तक, है ना। तो सुजन को मेडिकल में जितना भी वो लग रहा है ना, शुरू से हाँ, मतलब उन्होंने हम लोगों को बोला है कि ज्ञान भाई के लिए कुछ हेल्प करना चाहते हैं, सो थैंक यू सो मच बिनोमो। दिखाओ थोड़ा सा बाल सही कर देते इसका, ये अभी हो गया बच्चा, इसको वो जॉनसन बेबी पाउडर वगैरह लगा के फिर लेके जाना है। ओए बच्चा, ये देखो ये तो इधर से हटता ही नहीं है, लेकिन कोई ना। और अभी मैं सोच रही हूँ इसको ड्रेसिंग नहीं करवा के लेके जाऊंगी, क्योंकि अगर उधर ड्रेसिंग करना पड़ेगा या कुछ होगा, इसीलिए हॉस्पिटल में जाके ही सब कुछ होगा, तो इसीलिए मैं अभी ड्रेसिंग नहीं कराऊंगी। चलो नीचे चलते हैं, एम्बुलेंस आ गया। इधर सुजन का एम्बुलेंस और सुजन को अभी स्ट्रेचर करके लेके आ रहा है इधर से। हॉस्पिटल के करीब आ चुकी हूँ और हम लोगों का टाइम था 1 बजे, तो 1 बजे के अंदर ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे और 5 मिनट ही शायद लगेगा हम लोगों को। तो 1 महीना बाद फिर से एम्बुलेंस जर्नी कर रहा है सुजन, तो थोड़ा सा अभी तो इजी लग रहा है, क्योंकि ना जब लखनऊ से आ रहा था तब उसका बहुत ज्यादा पेन था, अभी भी है लेकिन फिर भी सही है ना। और वो जो जोर से एम्बुलेंस चला रहा था एयरपोर्ट में, है ना, सुजन को बहुत दिक्कत हुई थी। तो इधर तकिया देके भाई ऐसे करके बैठा है सुजन को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और ऑलमोस्ट आ ही गई हूँ, तो ये एम्बुलेंस वालों भी अच्छा है ना, तुम्हें बहुत अच्छे से चला रहा है। आ गई हूँ हॉस्पिटल।
सुजन को लेके हॉस्पिटल से। एक्चुअली आज सुजन का बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि ना वो डॉक्टर तो नहीं, डॉक्टर के साथ जो होता है असिस्टेंट, उसने इतना मतलब ऐसे ऐसे करके देखा था, तो सुजन बोल रहा था कि प्लीज ऐसे मत करो, मतलब दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है। तो वो थोड़ा सा सुजन को लगा है, तो उसके बाद से ना जब हम लोग जब एम्बुलेंस से आ रहे थे ना, तब उसको बहुत दर्द हुआ। मतलब उधर ना ये डिस्चार्ज की जगह, जो ये जो जगह है ना, ये जगह तो अभी तो फिलहाल बहुत ज्यादा ही हील हो गया है, लेकिन इधर ड्रेनेज था, तो ये जगह पे ना थोड़ा सा डिस्चार्ज आज हो रहा था। उसने ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया था, तो वो बहुत एकदम चीख दिया उधर। और ऐसे फिलहाल तो उसने कुछ दिया नहीं, मतलब डॉक्टर शिंगनी दास ने तो ऐसा कुछ दिया नहीं, उसने बोला था कि डॉक्टर हर्ष से एक बार बात करने के लिए, जो उसका ऑपरेशन किया है। और सुजन उतना भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ इस डॉक्टर के पास जाके, बिकॉज एक होता है ना कि डॉक्टर अगर खुद देखता है, खुद थोड़ा सा बात करता है, तो थोड़ा सा उम्मीद भी जगता है, थोड़ा सा होता है सेटिस्फेक्शन। तो वो सिंजनी दास का जो असिस्टेंट था, उसने ही उठ के आया था, सुजन का स्ट्रेचर लेके अंदर गया, फिर वो उठ के आके ऐसे 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 दबाया और बोला हाँ ये तो नॉर्मल है, मतलब ऐसे तो हील हो ही रहा है। ऐसे उसके साथ उतना भी बात नहीं हुआ, तो जो भी हुआ मेरे साथ बात हुआ, तो मैंने प्रोस्थेटिक लेकर थोड़ा सा पूछा, और फिर बोला कि जो डॉक्टर उसका कर रहा था उससे आप बात कर लो। तो ऐसे तो दिया कुछ नहीं है, बस तीन ही पॉइंट है। एक है वो प्रोस्थेटिक जो हम लोग बाद में कराएंगे, अभी फिलहाल नहीं, जब तक ये प्रॉपर सही नहीं हो जाता है सुजन, जब तक ये नहीं लगता उसको कि सही हुआ, तब तक हम लोग कुछ नहीं कराएंगे। दूसरा दिया है मसाज सेटाफिल मॉइस्चराइजर। तो सेटाफिल मॉइस्चराइजर हम लोग इतना दिन तक यूज नहीं करते थे हम लोग इस लेग में ना, ये थोड़ा सा दिखाओ, ये जो ग्राफ्टिंग है ना, ये ग्राफ्टिंग की जगह मतलब ये ड्राई, मतलब ड्राई ना हो, इसीलिए ना हम लोग पैराशूट कोकोनट इधर, हाँ इसको ग्राफ्टिंग बोलते हैं, हाँ ये ना, ये इसमें हम लोग पैराशूट कोकोनट ऑयल लगाते थे ताकि ये मॉइस्चराइज रहे हर टाइम। तो उसमें हाँ इसीलिए उसने दिया है सेटाफिल मॉइस्चराइजर, विच इज वेरी गुड, सेटाफिल अच्छा है। और एक एडवाइस, बस ऐसा तो कुछ नहीं दिया, ये एडवाइस ही है, और बोला है कि फिजियो एक्सरसाइज और मिरर थेरापी करने के लिए, तो जो ऑलरेडी हम लोग का फिजियोथेरापिस्ट आके कर देते हैं। तो बस यही है जो डॉक्टर के साथ बात हुआ है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो फिलहाल ये अभी भी सही होने में, मतलब सुजन को एकदम प्रॉपर सही होने में, मतलब उसको लगेगा कि हाँ ये सही है, लाइक दर्द नहीं हो रहा है, ऐसा जब तक होगा तो ये 2-3 महीने लगेगा। फिर उसके बाद सुजन का दर्द तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला सही हो जाए ना, इसके अंदर यहाँ पे एक दर्द है इसके अंदर, माने तुम तो आज तो वॉक ही नहीं किया ना, नहीं कर पाओगे ना आज, क्योंकि तुम्हें दर्द है ना इसीलिए। तो ये जो जगह है ना, ये एकदम सॉफ्ट है, मतलब ऐसे देखो, और भी नरम था, हाँ बहुत सॉफ्ट था। अभी तो फिलहाल सही हुआ है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-3 महीना और भी लगेगा, फिर उसके बाद प्रोस्टिक का जो प्लानिंग है वो हम लोग करेंगे। तो ये कोलकाता में करेंगे या बाहर करेंगे वो अभी तक पता नहीं, वो एक बार डॉक्टर से बात करेंगे। और वो जो प्रोस्टेटिक का प्रोसेस है ना, उसके बाद मतलब सुजन का भी उधर भी एक लेंदी प्रोसेस चलेगा कि सुजन उसको लेके चल सकता है या नहीं, मतलब वो थोड़ा सा एक होता है ना ट्रेनिंग होगा। ये पहला पैर सही हो जाए फिर तो चलने के बाद, हाँ ये देखो कितना जल्दी ड्राई हो रहा है, देखो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो डॉक्टर ने ये भी बोला है कि ड्राई ना होने देने के लिए एटलीस्ट 5-6 times सेटाफिल मॉइस्चराइजर, मतलब जो आज दिया है सेटाफिल मॉइस्चराइजर यूज करने के लिए, और रात में हम लोग एक बार ऑयल देके मसाज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट तो आता ही है, लेकिन फिर भी सुजन का डॉक्टर हर्ष ही चाहिए है ना। तो ऐसे ही, बट या ही इज वेरी गुड एक्चुअली, उसके लिए भी सही है, अच्छा लगता है, सेटिस्फाई होता है। डॉक्टर हर्ष से भी हम लोग बात करेंगे आज ही, बस उससे एडवाइस लेना है, मतलब एडवाइस तो हम लोग उससे ही लेते हैं, मैं पहले ही बता दिया था जाने के टाइम कि ये जो भी देगा हम लोग उससे एक बार रीचेकअप करवाएंगे। तो ये जो एडवाइस उन्होंने दिया है, तो ये तो ऑलरेडी उसका केस हमारे में तो ऑलरेडी था, मतलब प्रेस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डॉक्टर हर्ष ने दे दिया था फिजियोथेरेपी क्या क्या करना है। तो आज एक बार जब तक वो फ्री हो जाए डॉक्टर, तब तक थोड़ा सा वेट कर लेंगे, फिर एक बार शाम तक उसको बात करवा देंगे। बात करके अगर उन्होंने बोलेगा कि या इट्स ओके सही है, या तो फिर कोई दूसरा ऑइंटमेंट लगाने की बोलेगा, तो वो ऑइंटमेंट हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि सुजन को ये लगेगा कि अगर ये सेटाफिल की जगह उन्होंने अगर नारियल पानी ऑयल भी दे दे तो तब भी सही है, वो सही हो जाएगा। तो यही है, अभी वो रेस्ट करेगा, और सुजन का जो भी अभी प्रोसीडिंग के बारे में जो भी होगा और
उसका हेल्थ अपडेट सब कुछ आपको मिलते आप लोगों को मिलते रहेगा। सो बाय बाय।